हे गाइस, वेलकम टू द चैनल गुगु ब्लॉग्स। तो आज का संडे का डेली ब्लॉग होने वाला है। ये हमारा दूसरा संडे है न्यू ईयर में, हैप्पी न्यू ईयर 2022 में। तो ये मैंने एक सीरीज चलाई है, तो इस संडे दूसरा संडे पड़ा है जनवरी में। सो वेलकम टू द ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में भाई न्यू ईयर पे लगने लगा था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बहुत ट्रैवलिंग की थी। लास्ट का हफ्ता जो था ना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर ली थी, तो मेरे सेमेस्टर की प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं हो पाई थी। और 24 जनवरी से एग्ज़ाम थे, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी मिली ना, मतलब अभी हॉस्टल कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, पैंडेमिक है, ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाए और कोविड भी थोड़ा कंट्रोल में रहे, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो अभी गर्ल्स हॉस्टल खाली करने की न्यूज़ आ गई हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। सो काफ़ी सारे बच्चे घर जा रहे हैं, एग्ज़ाम भी पोस्टपोन्ड हो गए हैं, जहाँ तक सुनने में वो होता है ना, एक सूत्रों के मुताबिक। पहले मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर न्यूज़ बनाता था, तो सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि हमारे जनवरी में एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, फरवरी में होंगे। जो AKTU वाले हैं ना, मेरी बहन है वो AKTU में पढ़ती है, तो उसके एग्ज़ाम तो होंगे का, एक एग्ज़ाम बचा है वो भी कल या परसों का। तो लेकिन हमारे भाई किस्मत देख रहे हो, बट कोई नहीं। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी 11 बज रहे हैं, हॉस्टल की सुबह इतनी बजे हो गया, तो 11 बजे हैं। सो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले मैं नहाने जाऊँगा, नहा के एकदम ये हो जाऊँ, क्योंकि 2-3 दिन से नहीं आया भाई, बहुत ठंडी है। अब ये मैं समझना बजवा दे, पैसे वर्सिंग फेस वर्क फेस वर्क मुँह ले ली देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ टैक्सी ब्रो, तो लेट गेट स्टार्टेड द ब्लॉग। अभी मैं खाना पीना खाने आया था, खाना वाना खा लिया है। तो अभी मैंने बाहर देखा, जस्ट बारिश स्टार्ट हो गई थी। आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, आई डोंट नो, बारिश स्टार्ट हो गया। तो बारिश में मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, संदीप, तो बोला चाय पीने। बारिश में चाय का तो अलग ही आनंद है, तो चाय पीने जा रहे हैं, ले चलते आप लोगों को। पानी वानी भरा हुआ है, बारिश हल्की हल्की पड़ रही है, तो बारिश नहीं बंद होती तो कहीं प्लान आउट करते हैं आज बाइक से, बाइक ट्रिप करने का। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है, अभी तो फिलहाल चाय पीने जा रहे हैं। तो हम चाय पीने गए थे, उसके बाद की क्लिप मैं शूट नहीं कर पाया, बस ऐसे ही नहीं कर पाया। तो दोस्तों आज पता क्या हुआ, हमारे फ्लैट में जो लड़का था उसका मोबाइल खो गया था, तो वो रैंडमली मिल गया, मतलब बहुत कम ही होता है ऐसा मिल जाता है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, बलुआ सागर का ब्लॉग था, तो उसमें भी हमने एक लोगों का मोबाइल लौटाया था, वो भाई भी बहुत खुश हुआ था। तो इसका मोबाइल भी एक पुलिस वाला था, उसके हाथ में लगा था, तो इसको मिल गया, तो हमारे फ्लैट मेंबर को मोबाइल वापस कर दिया। और इसने वन प्लस का ऑर्डर कर दिया था, तो वो भी आने वाला है। तो इसके भाई चांदी वाला भी एक होते हैं ना किस्मत, तो वो किस्मत इसकी फेट, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, उसमें फेट इंग्लिश मीनिंग सीख रहा है तुम्हारा भाई, तो वही इसकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो इसको फ़ोन मिल गया वन प्लस का रहा है। तो ये अपना फादर को देगा पुराना वाला मोबाइल, और इसी वजह से ये रुका हुआ है, कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, 15 तारीख को जाएगा, क्योंकि उसकी वन प्लस की डिलीवरी है यहाँ पे। सो यही था आज। देखो बिल्कुल धूप नहीं निकल रही, आप लोग देख रहे होंगे तो बिल्कुल भी धूप नहीं है। और भाई घूमने घूमने का प्लान आउट कर रहे थे, थोड़ी बहुत बारिश वारिश पड़ने लगी थी, तो हम जा नहीं पाए। और डेली ब्लॉगिंग में कैसी लग रही है, एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो आप लोग देख रहे हो, दिल से शुक्रिया भाइयों। सिम्टम आ रहे हैं बिल्कुल, मतलब गली में एकदम खराश हो रही है, मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं दिया, और मतलब ठंड भी लग रही है, और आंखों में पेन हो रहा है। फिलहाल हम नीचे डांस वांस कर रहे थे ना, उसके बाद मैं ऊपर आ गया, मैंने सोचा थोड़ा मूवी वूवी देखूँ, तो ठंड सी लगने लगी एकदम से, पता नहीं कोविड हो सकता है भाई, लेकिन बच के रहना पड़ेगा, कोरोना वापस आ चुका है, लगा लो टोपा ठंडी ना लगे, ठंडी और बैठ जाओ चुपचाप, मूवी देखते हैं यार। लगता है वैकेशन मोड ऑन, नेटफ्लिक्स एंड चिल इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब नेटफ्लिक्स का प्राइम खरीदो नेटफ्लिक्स, और उसको देखते रहो मूवीज वगैरह, सबसे बेस्ट है। पबजी से भी ज़्यादा एडिक्टेबल होता है, कोई वेब सीरीज अगर आप स्टार्ट कर देते हो उसको ख़त्म करने का मन करता है। मैंने भी एक वेब सीरीज स्टार्ट करी है, उसको ख़त्म किया था, उसके बाद मैं गेम ऑफ थ्रोन्स जियो भी स्टार्ट करने की सोचा, लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम होगा उसके 9 सीजन, तो मैंने स्टार्टिंग से नहीं देखी, मुझे पता मैं नूब हूँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग में इन सब चीज़ों का, लेकिन अभी रिसेंट हैबिट लगी है इस चीज़ की, तो मैं जियो भी स्टार्ट करने की सोचा, लेकिन नहीं यार 1.5 साल नहीं करनी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत खिंच जाएगा टाइम, तो मैं नई वेब सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स वेब सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे पता है मेरे व्यूअर गिरे चुने हैं भाई, एक दो व्यूअर पूरा ब्लॉग देखते हैं, बट कोई नहीं यार, लव यू भाई, आई लव यू भाई, या फिर लव यू मेरा प्यार। कोविड वगैरह चल रहा है जिस वजह से हम कुछ खाने पीने गए थे, पूरी सेफ्टी के साथ, ये देखो मास्क। तो अभी रूम पे चल के ले चलते हैं आप लोगों को भाई, झांसी में सब लोग घर जाने लगे हैं भाई, क्योंकि कोविड दोबारा आ चुका है। पहले रूम पे चलते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत लाइटनिंग सी हो रही है। हीरो हीरो आजा आजा। डेली ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, मतलब एकदम नॉर्मल लाइफ चल रही है भाई। तो बड़े लॉकडाउन वॉकडाउन में लगने वाला है, तो यही सब था आज के ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, मुझे पता अच्छा नहीं लगा होगा तो जो भी लगा है अपना, मतलब जैसा भी लगा है कॉमेंट में बता देना, नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिसलाइक वाला बटन दबा जाना। होप यू एंजॉय द ब्लॉग, इफ यू लाइक द ब्लॉग देन प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ द ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।